हाय फ्रेंड्स, आज मैं चने दाल की स्टफिंग की पूरी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने 1 कप चने के दाल लिया है। इसे हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो लिया है। ये फूल करके 2 कप हो चुके हैं। इसे मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। 1/4 स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टी स्पून सॉल्ट। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। 1 विजल आने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट कुक कर लिया है। इसके प्रेशर भी रिलीज हो चुके हैं। इसे मैं इस तरह से स्ट्रेनर में कर ले रही हूँ। स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़े ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। 2 से 3 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने फाइनली चॉप किया है। थोड़े से मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। इसे मैं कुछ सेकंड फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने फाइनली चॉप किया है। इसे हमने इस तरह से लाइट कलर फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे मैं कुछ सेकंड फ्राई कर लूंगी। इसे हमने कुछ सेकंड अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने अभी बॉईल किया था। मैं इस तरह से मिक्स करते हुए स्मैश करती जा रही हूँ। हमारी फ्लेम बिल्कुल लो है। मैं इसमें थोड़े से नमक ऐड कर रही हूँ, हमने पहले भी नमक ऐड किया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं इसे स्मैश करते हुए इस तरह से ड्राई कर लूँ, ताकि इसे डो फॉर्म में आ जाए थोड़ा। ये देखिए, थोड़े थोड़े ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें इस पॉइंट पे 1/4 स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें थोड़े हरे धनिया ऐड कर रही हूँ। ये हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। ये फ्राई पैन से अलग हो रहे हैं, अच्छे से डो फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगी। इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। ये इस तरह के डो फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं पूरी की तैयारी कर ले रही हूँ, जिसके लिए हमने 2 कप गेहूँ के आटा लिया है। आप चाहें तो इसे मैदा में भी बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसकी डो तैयार करूंगी। आप एक बात का खास ध्यान रखें, आपके डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। फर्स्ट मैं इसकी बॉल बना ले रही हूँ। ये हमने इस तरह से बॉल बना लिया है। अब मैं इसे इस तरह से बॉल शेप दे रही हूँ। आपकी फिलिंग्स के जो साइज होंगे, उससे थोड़े से बड़े आपके आटे के पेड़े होने चाहिए। इसे हमने इस तरह से बॉल शेप दे लिया है। अब मैं इसमें फिलिंग्स तैयार कर रही हूँ। ये हमारे लेमन के साइज के फिलिंग्स है, इसे हमने राउंड कर लिया है। इस तरह से खुश्की में डिप कर रही हूँ।
इसे हमने इस तरह से राउंड कर लिया है, ये हमारे बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। हमारे पैन अच्छे से गर्म हो चुके हैं, इसे मैं फर्स्ट ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। ये हमारी चने दाल की पूरी तैयार हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट है ये। आप इसे इस तरह से पिकल के साथ खा सकते हैं।